प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रभात ज्ञानकोश के इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम विश्व, भारत और राजस्थान का करंट अफेयर्स प्रतिदिन लेकर के आपके बीच में हाजिर होते हैं। यह करंट अफेयर्स आपके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। आज हम यहाँ सबसे पहली खबर की तरफ अपना रुख करेंगे और ये खबर है भारतीय क्रिकेट से संबंधित है और भारत के क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ का बड़ोदरा में निधन हो गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं अंशुमान गायकवाड़ और लंबी बीमारी के बाद में, कैंसर से जूझने के बाद में उनका निधन हो गया है। और ये जो हैं, जब 2000 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम उप विजेता रही थी, उस समय भारतीय टीम के कोच भी रहे थे तथा इन्होंने जो है वो भारत में क्रिकेट को लेकर के अपनी सेवाएँ दी हैं। अगला जो महत्वपूर्ण खबर आज की है वो फिर संबंधित है चिकित्सा सेवा से संबंधित है। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर पहली महिला निदेशक चिकित्सा सेवा बनी है। तो लेफ्टिनेंट जनरल जिनका नाम क्या है, साधना सक्सेना नायर, ये महानिदेशक बनी है। किसकी महानिदेशक बनी है? चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में, और वो भी सेना के। तो सेना में जो चिकित्सा सेवा का प्रभार है उसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। और उनका सेना में इतने बड़े पद पर जाना ये साबित करता है कि अब भारतीय सेना के अंदर भी महिलाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और नेतृत्व जो है वो कर रही है। अगली जो हमारी आज की महत्वपूर्ण खबर है वो फिर इसराइल से संबंधित है और इसराइल ने जो है स्टार्टअप तथा नए जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको लेकर के एक नया फंड विकसित किया है। तो टेक स्टार्टअप में निवेश बढ़ाने के लिए 155 मिलियन अमरीकी डॉलर का फंड लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? इसराइल ने। तो इसराइल ने एक राज्य कोष लॉन्च किया है। कौन सा कोष लॉन्च किया है? राज्य कोष। और ये क्या करता है? तो जो स्टार्टअप है, जो नए लोग हैं, जो नई अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उनका समर्थन करने वाले वेंचर कैपिटल फंड में निवेश के लिए 18 चयनित वित्तीय संस्थाओं को कुल 155 मिलियन अमरीकी डॉलर आवंटित करने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपन लोग देखें तो इसराइल ने टेक स्टार्टअप में निवेश बढ़ाने के लिए कितने मिलियन अमरीकी डॉलर का फंड लॉन्च किया है? 155 मिलियन अमरीकी डॉलर का फंड लॉन्च किया है। आज की जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वो फिर हम लोग यहाँ पर देखें तो मोल्दोवा से संबंधित है। मोल्दोवा की संसद को विश्व बैंक ने 37.3 मिलियन यूरो का ऋण जो है वो प्रदान करने जा रहा है। विश्व बैंक से वो इतने ऋण ले रहा है। तो यहाँ अपन लोग बात करें तो मोल्दोवा जो है उसकी संसद ने समझौते की पुष्टि करने के बाद कहा है कि विश्व बैंक से 37.3 मिलियन यूरो का ऋण उसे प्राप्त होगा और ये ऋण जो है उसका भुगतान या अनुदान का भुगतान एक किस्त में किया जाएगा। तो यहाँ पर जब अपन लोग देखें तो मोल्दोवा ने या मोल्दोवा की संसद को विश्व बैंक कितने मिलियन यूरो का ऋण प्रदान कर रहा है? 37.3 मिलियन यूरो का ऋण प्रदान कर रहा है। अगली फिर खबर हमारी UNDP से संबंधित है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अर्थात कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के तहत पूर्वी अफ्रीकी देश में संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए युगांडा वन्यजीव प्राधिकरण को, कौन से को? युगांडा देश को ड्रोन दान करने जा रहा है। कौन? UNDP। क्यों ड्रोन दान करने जा रहा है? ताकि वहाँ पर वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सके। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा में वन्य जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए वन्य जीव प्राधिकरण को कितने ड्रोन दान दिए गए हैं? 6 ड्रोन दान दिए जा रहे हैं। अगली जो महत्वपूर्ण खबर आज हमारी है वो फिर IIT मद्रास और IDBI से संबंधित है। तो IIT मद्रास, ठीक है, और IDBI बैंक, इन दोनों ने साइबर सुरक्षा प्रयोगशाला शुरू की है। कि कौन सी प्रयोगशाला शुरू की है? साइबर सुरक्षा प्रयोगशाला शुरू की है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IDBI बैंक, उसने स्वास्थ्य सेवा, फिनटेक और एयरस्पेस क्षेत्र में
सुरक्षा समाधान विकसित करने और लागू करने के लिए जो है एक सिस्टम लॉन्च किया है, इसके तहत साइबर सुरक्षा प्रयोगशाला शुरू की जाएगी और उसका नाम क्या है, IDBI IITM सिक्योर सिस्टम लैब। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और IDBI मिल करके साइबर सुरक्षा प्रयोगशाला शुरू करने जा रहे हैं। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है पेरिस ओलंपिक से संबंधित है, और पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता है ना, तो हमारे निशानेबाज उनका नाम क्या है, स्वप्निल कुसाले। उन्होंने जो है वो 50 मीटर राइफल्स में जो है वो कौन सा स्थान हासिल किया है, तीसरा स्थान हासिल किया है और इस प्रकार से उन्होंने कांस्य पदक जीता है। और ये अभी जो चल रहे हैं पेरिस ओलंपिक उसमें भारत का कौन सा पदक है, तीसरा पदक है, और ये तीनों ही पदक भारत ने कांस्य पदक के रूप में जीते हैं। हमारी जो आज की अगली महत्वपूर्ण खबर है वो फिर संबंधित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वियतनाम दौरे से संबंधित है। भारत का एक लक्ष्य है विकसित भारत बनाने का लक्ष्य, वो कब तक का है, 2047 का है, और वियतनाम का भी एक विज़न है और वो विज़न कौन सा है, विज़न 2045। तो उन दोनों को ही गति देने के लिए भारत और वियतनाम के बीच में जो है वो अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए एक नई रणनीतिक साझेदारी पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और उसके लिए एक नई कार्य योजना बनाई गई है। तो दोनों देशों की ये जो नई कार्य योजना है उसके तहत रक्षा और सुरक्षा जैसे नए कदम भी शामिल हैं, क्योंकि दोनों ही देश जो है वो चाइना से पीड़ित हैं और ऐसी स्थिति में दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे। और यहाँ पर वियतनाम को भारत जो है मजबूत बनाना चाहता है, तो इसको जब अपन लोग देखें तो नई कार्य योजना दोनों ही देश अपना रहे हैं और दोनों ही देश जो हैं वो रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। अगली जो महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर है वो फिर संबंधित है असम राइफल से संबंधित है। तो असम राइफल के महानिदेशक का पदभार कौन संभाल रहे हैं, तो ये हैं जनरल विकास लखेरा। इस प्रकार से लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है विकास लखेरा, और विकास लखेरा ने असम राइफल्स के 22वें महानिदेशक का पदभार संभाला है। और असम राइफल्स जो है उसको हम लोग पूर्वोत्तर के प्रहरी के रूप में भी देखते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण खबर हमारी यहाँ पर है वो फिर भारत की GDP से संबंधित है। तो GDP में जब अपन लोग देखें तो विभिन्न प्रकार की रेटिंग एजेंसियाँ हैं, उन्होंने इस वर्ष भारत के 7% की दर से भारत के विकास का एक खाका या यूँ कह सकते हो पूर्वानुमान लगाया है। तो यहाँ पर इंडिया रेटिंग्स का ऐसा मानना है कि बजट के बाद में GDP में वृद्धि और भी ज़्यादा बढ़ेगी। ये बजट जो है वो विकास को प्रदर्शित करने वाला बजट है और वो वृद्धि कितने रहने का अनुमान है, 7.5%। तो यहाँ पर इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने नए अपडेट के तहत GDP वृद्धि का पूर्वानुमान 7.1% से बढ़ा करके कितना कर दिया है दोस्तों, 7.5% वृद्धि दर कर दी गई है। अब हम लोग यहाँ पर अगला जो आज का पड़ाव है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैप ऑफ द डे में हम आज बात करेंगे नक्की झील की। नक्की झील आप लोगों को पता ही है ये कहाँ पर है, राजस्थान में सिरोही जिला है, ठीक है, और उस सिरोही के अंदर माउंट आबू है। उस माउंट आबू के ऊपर जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है वो कौन सी झील है, नक्की झील है। तो नक्की झील माउंट आबू में अरावली पर्वतमाला पर स्थित है और इसे स्थानीय रूप से नक्की झील के रूप में जाना जाता है। और ये भारत की पहली मानव निर्मित झील है जिसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर है और चौड़ाई 25 मील तक है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन लोग देखें तो यह जो झील है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और माउंट आबू में स्थित है। उसके बाद में अपन लोग आगे बढ़ते हैं, डेली राजस्थान GK पे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। महिलाओं द्वारा शरीर के ऊपरी भाग पर प्रयोग किया जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, काचली कहते हैं, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में मुस्लिम महिलाएं चूड़ीदार पाजामा के ऊपर जो है वो एक चुंदड़ी ओढ़ती हैं और उस चुंदड़ी को अपन लोग क्या कहते हैं, इसको अपन लोग कहते हैं तिलगा, क्या बोलते हैं इसको, तिलगा के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे राजस्थान में अंग्रेजों के काल में चूड़ीदार पाजामा के साथ क्या पहना जाता था, तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं, ब्रिजेस कहते हैं, और वैसे उसको बिरजस कहते हैं राजस्थानी में, क्या कहते हैं, बिरजस कहते हैं। जो संबंध स्त्रियों के झुमके का कान से है वही संबंध पुरुषों में क्या कहते हैं उसको, तो पुरुषों में जो झुमके की तरह पहना जाता है कान में उसको अपन क्या कहते हैं, मुर्कियों कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मुर्कियों कहते हैं, जबकि महिलाओं में क्या कहते हैं उसको, झुमका कहते हैं। उसके बाद
पूर्ची या आभूषण को राजस्थानी महिलाओं द्वारा किस अंग पर धारण किया जाता है? तो कलाई पर राजस्थानी महिलाएं जो भी आभूषण धारण करती है उसको पूर्चिया कहते हैं। भीलवाड़ा जिले की ग्रामीण स्त्रियों का वह वस्त्र जो कपड़े के दो टुकड़ों के बीच में जोड़कर बनाया जाता है तथा जो पीठ पर तानियों से बांधा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो कापड़ी कहते हैं। ठीक है, तो भीलवाड़ा जिले की ग्रामीण स्त्रियाँ जो है वो कपड़े को दो टुकड़ों के बीच में जोड़ दिया जाता है और जोड़ करके फिर उसको पीठ के ऊपर बांधा जाता है, उसको क्या कहते हैं? कापड़ी कहते हैं। राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो गले में जो पहना जाता है उसको अपन सुरलिया कहते हैं। कणकती नामक आभूषण को राजस्थानी महिलाओं द्वारा कमर में जिसको धारण करते हैं उसको कणकती कहते हैं, गले में जिसको धारण करते हैं उसको सुरलिया कहते हैं। मेमंद किसको कहते हैं? तो सिर पर पहना जाने वाला जो आभूषण है उसको क्या कहते हैं? मेमंद कहते हैं। और कलाई में पहना जाने वाला जो कड़ा है उसको गोखरू के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में जब अपन लोग देखें तो राजस्थान में हार के पर्याय के रूप में किसको माना जाता है? तो चंपाकली ये हार का पर्याय है, कंठगिरी है, चंदन हार भी कहते हैं, उवासी भी कहते हैं, पोत भी कहते हैं। तो ये सभी कौन से गहने के पर्याय हैं? हार के पर्याय हैं। इस प्रकार से आज हमने राजस्थान के कुछ प्रमुख आभूषणों और वस्त्रों के बारे में चर्चा की। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कैलाश सांखला की बात करते हैं। कैलाश सांखला ये आपका जो चित्र भी दिख रहा है एक बाघ के साथ में है और इनको अपन लोग जो है टाइगर मैन के नाम से भी जानते हैं। तो कैलाश सांखला जो है वो किससे जुड़े हुए हैं? बाघ संरक्षण से जुड़े हुए हैं और उनका जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ कैलाश सांखला का जन्म। और जब अपन लोग यहाँ देखें तो उन्होंने बाघों के आबादियों का एक सर्वेक्षण भी किया था, बाघों की आबादी का सर्वेक्षण किया था और उनको द टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और उन्हें 1992 में पद्मश्री तथा 2013 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। तो 1992 में पद्मश्री तथा 2013 में राजस्थान रत्न से सम्मानित द टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? कैलाश सांखला है। ठीक है, अब फिर हम लोग आज बात करते हैं अगले पड़ाव की तरफ और वो है राजस्थान का करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की बात करें तो आज की जो पहली महत्वपूर्ण खबर है वो है राजस्थान में भी कौन सी विधानसभा चल रही है? 16वीं विधानसभा। और उसमें नेता प्रतिपक्ष, ये उपनेता प्रतिपक्ष की बात है, तो उपनेता प्रतिपक्ष कौन है? रामकेश मीणा है। ठीक है, उसके बाद में 29 जुलाई 2024 को जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। उसके बाद में फिर अपन लोग देखें तो नई दिल्ली में आयोजित एक्सपो 2024 में उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार जिस संस्था को दिया गया है वो संस्था कौन सी है? राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर है। उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा LPG के सिलेंडर दिए जा रहे हैं और कितने पैसे में दिए जा रहे हैं? 450 रुपये में दिए जा रहे हैं। उसमें भी सरकार ने एक अमेंडमेंट किया है कि जिनको भी गेहूँ प्रदान की जाती थी या जिनको गेहूं प्रदान किया जाता था सरकार की तरफ से राशन में, वो सारे लोग जो हैं वो 450 रुपये में ये सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थानी साहित्य को अधिक बढ़ावा देने के लिए एक उत्सव का आयोजन किया जाएगा और वो उत्सव कौन सा होगा? प्रसिद्ध साहित्यकार विजयदान देथा के नाम पर होगा और उसका नाम क्या होगा? विजयदान देथा साहित्य उत्सव के नाम से जाना जाएगा। अब हम लोग यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की बात करें तो उसमें नए स्थल जोड़े गए हैं। और ये जो यूनेस्को की अभी जो बैठक आयोजित हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। और उसमें विश्व धरोहर समिति के कौन सा सत्र है? 46वां सत्र है। उसमें कितने नए स्थलों को चुना गया है? 24 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसमें से 19 तो सांस्कृतिक क्षेत्र है, 4 प्राकृतिक क्षेत्र है और एक मिश्रित श्रेणी में आता है। और इसमें भारत का कौन सा स्थान लिया गया है? तो 43वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है असम का मोईदाम। कौन सा? आसाम का मोईदाम जो है वो भी भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। और विश्व में धरोहर स्थलों के रूप में कितने स्थान चयनित किए गए हैं? 24 नए स्थलों को जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। अब फिर हम लोग देखते हैं कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद में फिर हम लोग देखें तो वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया गया, तो 1 अगस्त को प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस का आयोजन किया गया है। अब फिर हम लोग राजस्थान करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो राजस्थान में लाड़ो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई। लाड़ो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये शुरू किया गया 1 अगस्त 2024 को, इस योजना को शुरू किया गया। तो इस योजना में है क्या?
तो उसको जब अपन लोग देखें तो बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करना, क्योंकि लाड़ो शब्द है, लाड़ो शब्द किसके लिए उपयोग में लिया जाता है, बालिका के लिए, तो बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए जन्म से लेकर के उस बालिका के वयस्क होने तक बालिकाओं के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने कुछ लेखानुदान की घोषणा की है और इसी को लाड़ो प्रोत्साहन योजना जो है के रूप में जाना जाता है। योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2024 से की गई। अब इसमें गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं को जन्म से 21 वर्ष पूर्ण करने तक 1 लाख का सेविंग बॉन्ड 7 किस्तों में उपलब्ध करवाया जाएगा। कितने का सेविंग बॉन्ड उपलब्ध करवाया जाएगा? 1 लाख रुपए का। किस्तें कितनी होंगी? 7 किस्तें होंगी दोस्तों। वो 7 किस्तें कब कब मिलेंगी? तो पहली चीज़ तो पात्र चिकित्सा संस्थानों में प्रसव के तहत बालिका ने जैसे ही जन्म लिया तो उसको पहली किस्त मिलेगी 2500 रुपये की। उसके बाद में 1 वर्ष पूरा होने पर और समस्त टीकाकरण पूर्ण होने पर, यानी पहले जन्मदिन पर उसको 2500 रुपये फिर मिलेंगे, दूसरी किस्त मिलेगी। उसके बाद राजकीय विद्यालय या राज्य सरकार द्वारा मान्य प्राप्त कोई भी निजी विद्यालय में पहली कक्षा में अगर उसने प्रवेश किया है तो वहाँ उसको तीसरी किस्त मिलेगी 4000 रुपये। पहली किस्त जन्म के समय, दूसरी किस्त उसके 1 साल पूरा होने पर, तीसरी किस्त कब मिलेगी? जब वो पहली कक्षा में प्रवेश ले रही है तब मिलेगी 4000 रुपये। उसके बाद उसको चौथी कक्षा में चौथी किस्त मिलेगी 5000 रुपये। उसके बाद में उसको 10वीं कक्षा में 5वीं किस्त मिलेगी 11000 रुपये। उसके बाद फिर 12वीं कक्षा में 6ठी किस्त मिलेगी 25000 रुपये। और फिर स्नातक उत्तीर्ण करने और 21 वर्ष पूर्ण करने पर उसको 7वीं किस्त मिलेगी 50000 रुपये। तो सबसे पहले जन्म के समय 2500 रुपये, 1 वर्ष पूर्ण होने पर फिर 2500 रुपये, स्कूल में प्रवेश मिला तो 4000 रुपये, चौथी कक्षा में 5000 रुपये, 10वीं कक्षा में 11000 रुपये, 12वीं कक्षा में 25000 रुपये और फिर स्नातक उत्तीर्ण करने पर उसको 50000 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार 1 लाख का सेविंग बॉन्ड जो है वो 7 किस्तों में सरकार प्रदान करेगी। मानस अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई? तो ये हनुमानगढ़ से हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका संचालन कौन कर रहा है? तो हनुमानगढ़ का जिला प्रशासन कर रहा है। और ये अभियान क्यों शुरू किया गया? ये अभियान शुरू किया गया है नशा मुक्ति से संबंधित अभियान है, क्योंकि हनुमानगढ़ और गंगानगर ऐसे ज़िले हैं कि वो पंजाब से लगे हुए हैं और वहाँ के युवा ज़्यादा से ज़्यादा नशे में लिप्त पाए जाते हैं, तो उसको दूर करने के लिए यहाँ पर नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता लाने के लिए मानस अभियान हनुमानगढ़ में शुरू किया गया है। अगला जो हमारी महत्वपूर्ण खबर है वो रिको से संबंधित है। और रिको के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है? जयपुर में की गई है। फिर हम लोग यहाँ पर देखें तो विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, अब सेज के बारे में जब अपन लोग बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ सेज के बारे में हम आपको देना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये जो योजना है वो किसकी, कहाँ से इस योजना को लिया है सरकार ने? तो इस योजना को चीन से लिया है। इसको चीन के मॉडल के रूप में देखा जाता है। चाइना में इस प्रकार के सेज ऐसे क्षेत्र विकसित किए जाते हैं जहाँ पर संपूर्ण रूप से उस क्षेत्र का आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाया जाता है, इसीलिए इसको विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से भी जाना जाता है। तो रिको द्वारा 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर, जेम्स एंड ज्वेलरी के रूप में पहला आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? जयपुर में। किसको लेकर के? जेम्स एंड ज्वेलरी को लेकर के। और दूसरा भी जयपुर में सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में लिया गया है ना। तो इस प्रकार दोनों आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किए गए? जयपुर में। पहला किसको लेकर के? जेम्स एंड ज्वेलरी। और दूसरा किसको लेकर के किया गया यहाँ पर? बहु उत्पादों को लेकर के किया गया सीतापुरा के अंदर। उसके बाद में फिर अपन लोग जब देखते हैं तो नेक्स्ट जो अपनी अगली खबर है वो संबंधित है यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित, यहाँ पर है अगली खबर। और फिर उसके बाद में अपन लोग देखेंगे तो यहाँ राजस्थान की पहली महिला IPS कौन थी जो हाल ही में रिटायर्ड हुई, ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है। तो पहली महिला IPS कौन है? नीना सिंह है। ठीक है, तो राजस्थान की पहली महिला IPS नीना सिंह और उनका रिटायरमेंट है, ये एक महत्वपूर्ण खबर है। तो प्रश्न हमारा क्या बन सकता है? राजस्थान की पहली IPS महिला कौन थी? कौन थी? नीना सिंह थी। ठीक है, अब फिर हम लोग यहाँ पर कुछ और खबरें हैं। हाल ही में विमोचित पुस्तक खेल रा रो खेल, इसके लेखक कौन है? मनीष कुमार जोशी। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है खेल रा रो खेल और इसके लेखक हैं मनीष कुमार जोशी। और मनीष कुमार जोशी जो है ये उनकी पुस्तक राजस्थानी भाषा की बाल साहित्य की पुस्तक है जिसमें खेल रा रो खेल इस पुस्तक को मनीष कुमार जोशी ने लिखा है।
तो इस प्रकार से विश्व, भारत और राजस्थान की कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स की जो है वो आज की महत्वपूर्ण खबरें हमने आप तक पहुंचाई। आप निरंतर जो है वो हमारी कक्षाओं से जुड़े रहिए और आपका जो भी फीडबैक है वो हमको आप जो है वो निरंतर देते रहिए ताकि हम इस कक्षा को और भी अधिक उपयोगी बना सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।